दमदमी टकसाल वालों धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 400 साल पावन प्रकाश पुरब न समर्पित गुरुद्वारा शहीद गंज साहब बाबा दीप सिंह जी श्री अमृतसर साहब विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपूर्ण शुद्ध पाठ समागम की आरंभता की गई। दमदमी टकसाल के मुखी संत समाज के प्रधान संत ग्ञानी हरनाम सिंह खालसा की अगवाई में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन मेहता और संत महापुरशों के सहयोग के नाल यह पाठ पुरब समागम 16 अप्रैल तक चलेगा। समागम के दौरान स्कूली बच्चिया औरतों के नौजवान वर्ग वालों भी गुरबाणी संख्या प्रति खास रुचि देखने को मिली है। प्रोफेसर सरचान सिंह के अनुसार इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतों को संबोधन के दौरान दमदमी टकसाल के मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा वालों पंथक प्रयोजन सिख पंथ की चढ़ती कला और कौमी फर्जा के नाल गुरबाणी संथ्या प्रचार और प्रसार वाल खास ध्यान देंदिया किए जा रहे विशेष उपरालों की शलाघा की। दमदमी टकसाल वालों अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के पावन पवित्र स्थान पर किए जा रहे समागम को इतिहासक करार दिता। उन्होंने कहा कि गुरबाणी अदब के खेत्र में दमदमी टकसाल की कौम बहुत वड्डी देन है। इस दे विद्वानों ने गुरबाणी शुद्ध उच्चारण संभाल के रखा है और टकसाल वालों दसी जा रही अर्थावली सिख ते है। श्री दरबार साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ने गुरबाणी के गलत उच्चारण शब्द की गुरु की बेअदबी के तुल दसिया। उन्होंने ग्रंथी रागी के प्रचारकों पाठ बोध समागमों में जरूर हिस्सा लेके ज्ञान प्राप्त करने की अपील की। तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने शुद्ध पाठ दिया विशेषतावान से इतिहासक पक्ष से रोशनी पाद्या गुरबाणी के गुर इतिहास की महानता को चुठला उत्ते लगे हुए पंथ दुखी और स्वार्थी लोगों प्रति सुचेत रहने की संगत को अपील की। संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने सिख कौम शुद्ध पाठ की प्रति आए अवेसलापन उत्ते चिंता प्रगट करदा कहा कि गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण बिना गुरबाणी के सही अर्थों को समझा नहीं जा सकता। इस करके बाणी शुद्ध उच्चारण और समझ के नाल पढ़ी जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी साडे जीवन का आधार है और इसका शुद्ध उच्चारण एक महान सेवा है। संगत को गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण की विद्या और अर्थ बोध तो जाणू करवाना समय की मुख्य लोड़ है। श्रोमणी कमेटी के सबका सीनियर मीत प्रधान भाई रजेंद्र सिंह मेहता ने कहा कि सिखी का प्रमुख सोमा गुरबाणी है, इसलिए पंथ दुश्मन गुरबाणी प्रति शंके पैदा करने यत्नशील हैं। उन्होंने समेत संत बाबा कश्मीर सिंह जी पुरी वाले भाई गुर इकबाल सिंह बीबी कौलां जी भलाई केंद्र चीफ खालसा दीवान के प्रधान सरदार निर्मल सिंह ठेकेदार सरप्रस्त भाग सिंह अणखी सकत्र सरदार सविंदर सिंह कथू नंगल श्रोमणी कमेटी के चीफ सकत्र एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बाबा हरनाम सिंह खालसा वालों किए जा रहे उपराले की शलाघा की। इस दौरान भाई अजैब सिंह अभ्यासी श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्र एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका फैडरेशन प्रधान अमरवीर सिंह ढोट ने भी संगत को संबोधन किया। दमदमी टकसाल वालों धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 400 साल पावन प्रकाश पुरब न समर्पित गुरुद्वारा शहीद गंज साहब बाबा दीप सिंह जी श्री अमृतसर साहब विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपूर्ण शुद्ध पाठ समागम की आरंभता की गई। दमदमी टकसाल के मुखी संत समाज के प्रधान संत ग्ञानी हरनाम सिंह खालसा की अगवाई में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन मेहता और संत महापुरशों के सहयोग के नाल यह पाठ पुरब समागम 16 अप्रैल तक चलेगा। समागम के दौरान स्कूली बच्चिया औरतों के नौजवान वर्ग वालों भी गुरबाणी संख्या प्रति खास रुचि देखने को मिली है। प्रोफेसर सरचान सिंह के अनुसार इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतों को संबोधन के दौरान दमदमी टकसाल के मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा वालों पंथक प्रयोजन सिख पंथ की चढ़ती कला और कौमी फर्जा के नाल गुरबाणी संथ्या प्रचार और प्रसार वाल खास ध्यान देंदिया किए जा रहे विशेष उपरालों की शलाघा की। दमदमी टकसाल वालों अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के पावन पवित्र स्थान पर किए जा रहे समागम को इतिहासक करार दिता। उन्होंने कहा कि गुरबाणी अदब के खेत्र में दमदमी टकसाल की कौम बहुत वड्डी देन है। इस दे विद्वानों ने गुरबाणी शुद्ध उच्चारण संभाल के रखा है और टकसाल वालों दसी जा रही अर्थावली सिख ते है। श्री दरबार साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ने गुरबाणी के गलत उच्चारण शब्द की गुरु की बेअदबी के तुल दसिया। उन्होंने ग्रंथी रागी के प्रचारकों पाठ बोध समागमों में जरूर हिस्सा लेके ज्ञान प्राप्त करने की अपील की। तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने शुद्ध पाठ दिया विशेषतावान से इतिहासक पक्ष से रोशनी पाद्या गुरबाणी के गुर इतिहास की महानता को चुठला उत्ते लगे हुए पंथ दुखी और स्वार्थी लोगों प्रति सुचेत रहने की संगत को अपील की। संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने सिख कौम शुद्ध पाठ की प्रति आए अवेसलापन उत्ते चिंता प्रगट करदा कहा कि गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण बिना गुरबाणी के सही अर्थों को समझा नहीं जा सकता। इस करके बाणी शुद्ध उच्चारण और समझ के नाल पढ़ी जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी साडे जीवन का आधार है और इसका शुद्ध उच्चारण एक महान सेवा है। संगत को गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण की विद्या और अर्थ बोध तो जाणू करवाना
समय की मुख्य लोड़ है। श्रोमणी कमेटी के सबका सीनियर मीत प्रधान भाई राजेंद्र सिंह मेहता ने कहा कि सिखी का प्रमुख सोमा गुरबाणी है, इसलिए पंथ दुश्मन गुरबाणी प्रति शंके पैदा करने यत्नशील है। उन्होंने समेत संत बाबा कश्मीर सिंह जी पुरी वाले भाई गोरेकवाल सिंह बीबी कौलां जी भलाई केंद्र चीफ खालसा दीवान के प्रधान सरदार निर्मल सिंह ठेकेदार सरप्रस्त भाग सिंह अणखी सकत्र सरदार सविंदर सिंह कथू नंगल श्रोमणी कमेटी के चीफ सकत्र एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बाबा हरनाम सिंह खालसा वालों किए जा रहे उपराले की शलाघा की। इस दौरान भाई अजैब सिंह अभ्यासी श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्र एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका फैडरेशन प्रधान अमरवीर सिंह टोट ने भी संगत को संबोधित किया।